प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। फतेहपुर जोबनेर में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया। आधा दर्जन से अधिक शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया है। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। फतेहपुर में तापमान -1.8 डिग्री दर्ज हुआ है और जयपुर के जोबनेर में पारा -1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी का सितम लगातार प्रदेश में जारी है। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है और आधा दर्जन से अधिक शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे है। जयपुर के जोबनेर में पारा -1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार सर्दी का सितम प्रदेश में जारी है। फतेहपुर जोबनेर में पारा शून्य से भी नीचे है। आधा दर्जन से अधिक शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। लगातार पड़ती ठंड ने लोगों का जनजीवन यहां पर बेहाल कर रखा है। जयपुर के जोबनेर में पारा -1.5 डिग्री दर्ज हुआ है और लगातार प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के चलते लोग बेहाल हो रखे हैं। फतेहपुर जोबनेर में पारा शून्य से भी नीचे पहुंच गया और आधा दर्जन से अधिक शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे है। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। फतेहपुर में तापमान -1.8 डिग्री दर्ज हुआ है। लगातार सर्दी का सितम प्रदेश में जारी है। फतेहपुर जोबनेर में पारा शून्य से भी नीचे पहुंच गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लियाकत अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लियाकत, बताएं किस प्रकार से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, किन किन समस्याओं का सामना लोगों को सर्दी के चलते करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मनीषा, हाड़ कप कपाने वाली सर्दी को लेकर कहीं ना कोई कई लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लोग अल सुबह घरों से बाहर नहीं निकल रहे, घर में दुबके हुए रहते हैं। वहीं धूप निकलने के बाद कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। वहीं पर्यटक नगरी माउंट आबू की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं आज तापमान में हल्का सी राहत जरूर महसूस की गई, लेकिन लगातार सर्दी हाड़ कपाने वाली सितम सर्दी का जारी और लगातार तेज सर्दी से पूरे जिले भर में सर्दी का सितम मानो जारी और लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। मनीषा जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर से बता दें कि लगातार सर्दी का सितम प्रदेश में जारी है और माउंट आबू में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। फतेहपुर में -1.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। फतेहपुर जोबनेर में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है और लगातार सर्दी का सितम प्रदेश में जारी है। आधा दर्जन से अधिक शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। हार्ड कपाने वाली सर्दी ने लगातार यहां पर लोगों को बेहाल किया हुआ है। काफी समस्याओं का सामना सर्दी के चलते आमजन को करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, बताएं किस प्रकार से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, किन किन समस्याओं का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए मनीषा, उधर बताना चाहेंगे कि जो सर्दी के जो तेवर हैं वो फिर से एक बढ़ती के हो गए हैं। बात अगर कल की कर लें तो कल जो तापमान है -1.8 डिग्री तक चला गया था। आज बिल्कुल कुछ राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीती रात की अगर तापमान की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 3 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच गया है और कल की अगर बात कर लें तो यहाँ पर -1.8 डिग्री टेम्परेचर साथ कहीं ना कहीं एक सप्ताह जहाँ पर राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जो सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है। और जैसे जिस तरीके से देखा जाएगा जो खेतों में जो फसलों पर जिस तरीके से बर्फ की जो परते हैं वो जम, इसके अलावा अगर बात कर लें लोगों के आम जनजीवन पर काफी प्रभावित हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं उन बच्चों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, क्योंकि अगर बात कर लें चुरू और चुरू की, पर कई ऐसे शहर है जहाँ पर छुट्टियां बच्चों की, लेकिन यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की यहाँ पर कोई छुट्टियां नहीं हुई है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो इन बच्चों पर आफत है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी का कहर, ठिठुरन में बच्चे हैं स्कूल जाने को मजबूर है। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो खेतों में जो किसान पानी देता है तो उनको बड़ी परेशानी का सामना, क्योंकि ठंड में जो जो
पाइपों में जिस तरीके से बर्फ जम जाती है, ऐसे में कहीं न कहीं किसानों को भी बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी राकेश, खासा प्रभावित तो यहाँ पर जो छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो, और क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र है तो किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए इस वक्त की अगर बात कर लें तो किसान अपनी गेहूं और सरसों की जो फसलें हैं वो बो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बरसात का इंतजार तो नहीं करते हैं, लेकिन बारिश जो कुओं का जब पानी जब दिया गया है, जब लाइनें जब चेंज करता है, तो बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आती है। जब एक्चुअली रात को जब बिजली दी जाती है तो वो जो लाइनों के जो पाइप हटाए हैं तो वो बड़ी मुश्किल किसी मुश्किल से मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम हो जाता है, जब क्योंकि पाइपों में जिस तरीके इन इस कड़ाके की ठंड में वो पाइपों में जिस तरीके से बर्फ के जो पाइप हो जाते हैं उनको जब इधर से उधर करते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या आती है और क्योंकि किसानों के सामने, और आम जनजीवन पर भी क्योंकि खासा प्रभाव पड़ा। आम जनजीवन तो दिन में तो कैसे रह लेता है, लेकिन शाम को होते रहते अलाव के सारे अपना गुजर बसर कर रहा है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है और खासा प्रभावित शेखावाटी में किसान यहाँ पर पा रहे हैं।